नमस्कार साथियों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों से बात करने चल रहे हैं टीजीटी मैथ में। हमारा डेमो लेक्चर है और टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स। आव्यूह के बारे में हम लोग आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आव्यूह में सबसे पहले तो हम लोग सवालों पे चलने से पहले जो आव्यूह के पहले की बात है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं, फिर हम उसके बाद जो है सवालों को देखेंगे। तो सबसे पहली बात जो है कि मैट्रिक्स एक्चुअली में है क्या, है ना। मैट्रिक्स के बारे में पहले हम समझेंगे, उसके बाद फिर जो है मैट्रिक्स में जो जो चीज़ें आएंगी उसको हम क्रमशः जो है समझते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे पहली बात है वो ये कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या है आपका? मैट्रिक्स एक आपकी व्यवस्था है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है आपका? मैट्रिक्स एक व्यवस्था है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप मैट्रिक्स के किसी भी सवालों को हल करेंगे तो आपको उसका जो है कोई नंबर में मान प्राप्त नहीं होगा, आपको एक बॉक्स के अंदर जो है इसका एक वैल्यू प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैट्रिक्स में हम मान को नहीं निकाल पाए तब हम लोगों ने जो है एक नई चीज़ का इजाद किया जिसको आप लोग बोलते हो डिटर्मिनेंट्स, सारणिक। सारणिक में हम लोग मान को निकाल सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के केस में क्या होता है कि इसमें जो है एक व्यवस्था के अंतर्गत हम जो है जो भी वैल्यू आती है उसको रखते हैं, ठीक। तो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि आप इसका मान नहीं निकाल सकते हो। आप इसका मान नहीं निकाल पाते हो, है ना। मान निकालने का मतलब ये होगा कि आपका जो आंसर आता है वो एक फिक्स उसमें आता है, ठीक। अब जो तीसरी बात है, तीसरी बात ये है कि मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मैट्रिक्स के अगर हम जो है परिभाषा की बात करें तो मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो मैट्रिसेस में है अ रियल नंबर, कोई वास्तविक संख्या हो सकती है, कॉमा अ कॉम्प्लेक्स नंबर और एनी फंक्शन, और एनी फंक्शन। कहने का सेंस क्या है कि आप जो है आव्यूह के अंदर क्या क्या चीजें आप लोग ले सकते हैं, कोई रियल नंबर हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, या कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके की जितनी भी संख्याएं हैं वो एक मैट्रिक्स के अंदर आती हैं, या अगर आप हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, ठीक है ना, तो वो आ सकती हैं, या कोई फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे साइन एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, लॉग हो गया, इस तरीके के जो भी फंक्शन है आप उसको जो है मैट्रिक्स के अंदर देख सकते हैं। लास्ट जो बात है वो ये कि इसकी फोटो कैसी होती है। देखिए, इस टॉपिक में आपकी जितनी ज़्यादा जो है इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी आपको ये टॉपिक जो है उतने अच्छे से समझ में आएगा। तो अब बात करते हैं, आपको अगर ध्यान हो तो आप लोगों को जो है मैट्रिक्स के फोटो कैसे दिखती है। आपको कुछ इस तरीके से बॉक्स दिखता है, इस तरीके के बॉक्स में आपको वैल्यू दिखती है, या कुछ आपको इस तरीके के बॉक्स में वैल्यू दिखती है, ठीक है, या आपको कुछ इस तरीके के बॉक्स में वैल्यू दिखती है, ये इस तरीके के बॉक्स में वैल्यू दिखती है। और इन्हीं बॉक्स के अंदर ये जो है आपका नोटेशन है मैट्रिक्स का, इन्हीं के अंदर जो है आपके या तो रियल नंबर होगा, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, या तो कोई क्या होगा आपका फंक्शन होगा। तो ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया किसका, मैट्रिक्स का। आइए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। इसके आगे में अब इस मैट्रिक्स में क्या क्या शब्दावलियां प्रयोग होती हैं उनको देख लेते हैं।
और ध्यान रखिए कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, एक्स वाई जेड, मैं मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, अगर आप जो है उस टॉपिक में जो उसके बेसिक पॉइंट्स हैं अगर आपने उनको जो है ले के चले, आपने उनको दिमाग में रखा, तो समझ लीजिए कि आपको बहुत ही आसानी होगी चीज़ों को आगे समझने में, ठीक है ना। तो अब अगला आपको जो पॉइंट है, सम बेसिक पॉइंट्स, सम बेसिक पॉइंट्स यूज्ड इन मैट्रिक्स या मैट्राइसेस, सम बेसिक पॉइंट्स यूज्ड इन मैट्राइसेस, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको एक जो है मैट्रिक्स का फिगर बनाता हूं, उसके अंदर कुछ अवयवों को दिखाता हूं और उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उन सभी चीजों को हम लोग यहां पर क्रमशः डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम एक जो है आव्यूह को देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके का आव्यूह है, A11, A12, A13, और इस तरीके से मान लीजिए हम यहां पर n टर्म तक ले गए, A1n, इसी तरीके से A21, A23, सॉरी A22, A23 और A2n, एक टर्म मोड़ लेते हैं, A31, A32, A33 एंड A3n। अब यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कहीं मिलेगा AM1, AM2, AM3 और यहाँ लास्ट में जाएंगे तो ये आपका यम है और इधर से आपका यन आ रहा है, तो लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा AM×N। ये आपका एक जो है मैंने आव्यूह की रचना लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अगर हम इसके विकर्ण को लेते हुए इस तरीके से एक इसको जो है अंडरलाइन कर दें, विकर्ण में जितने भी अवयव हैं उनको जो है हमने क्या किया, एक डब्बे में रख दिया, तो अब देखिए यहाँ पर आपको तीन तरीके की चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक। यह जो है इसके ऊपर के अवयव और इसके कहाँ के अवयव, इसके नीचे के अवयव, ठीक है ना। तो ये है क्या, सबसे पहली बात जो है आपको ये समझना है, सबसे पहली बात यह है कि आव्यूह में अवयवों का एक कॉमन नेम होता है। आव्यूह में अवयवों का क्या होता है, कॉमन नेम होता है, और वह जो कॉमन नेम होता है उसको हम लोग दिखाते हैं AIJ से। किसे दिखाते हैं, कॉमन नेम को हम लोग दिखाते हैं AIJ से, जहां ये जो आपका आई होता है ये डिनोट करता है रो को। रो का मतलब पता ही होगा आपको, पंक्ति, और ये जो जे होता है ये आपका डिनोट करता है कॉलम को। कॉलम का हिंदी मतलब होता है स्तंभ, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर हम जो है किसी अवयव की बात करें तो उस अवयव में जो पहला आपका होता है वह यह दिखाता है कि वह जो अवयव है वह किस पंक्ति में है, और जो दूसरा अवयव है वह यह दिखाता है कि वह किस कॉलम में है। समझ पा रहे हैं यहाँ पे, तो इन सब का एक कॉमन नाम है जिसको हमने दिखाया AIJ से, और मैंने यहाँ बताया कि I मतलब पंक्ति और J मतलब आपका क्या, स्तंभ हुआ। तो अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई बताइए कि ये A32 की पोजीशनिंग क्या है इस आव्यूह में, तो आपके दिमाग में तुरंत जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये 3 है, 3 का मतलब आई, और आई का मतलब कि यह पंक्ति को दिखाता है, 2 का मतलब हो जाएगा आपका क्या, कॉलम, इसका मतलब यह कौन से कॉलम में है वह दिखाएगा, तो यानी यह तीसरे कॉलम में, तीसरी पंक्ति में है और दूसरे कॉलम में है। तो अब आपको जो है कॉलम और पंक्ति का तो आइडिया है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, तो देखिए यह अवयव तीसरी पंक्ति में है, तो क्या यह तीसरी पंक्ति में है, इस चीज को आपको फील करना है, तो ये आपका हो जाएगा पहली पंक्ति,
ठीक, ये आपका हो जाएगा दूसरी पंक्ति और यह आपका हो जाएगा क्या तीसरी पंक्ति। यहाँ पर ये आई दिखा रहा है कौन से पंक्ति में है, दो का मतलब दूसरे कॉलम में है क्या, तो यह आपका है पहला और यह आपका क्या है दूसरा। तो यहाँ से जो मैंने आपको ये दिखाया कि ए आई जे यह दिखाता है कि इस आव्यूह में जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों की क्या नाम है, पोजिशनिंग क्या है, वह किस पंक्ति या किस कॉलम में है। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको बहुत ही छोटी छोटी है कि ये जो आपका अवयव है इसकी क्या पोजिशनिंग है, यह किस पंक्ति में है और किस कॉलम में है। ठीक है, अब आइए हम जो है इसके बाद देखते हैं कि यह जो बीच में अवयवों को आपने एक डब्बे के अंदर बंद किया हुआ है इसे क्या बोलते हैं। तो यह जो होता है यह आपका होता है मुख्य विकर्ण, क्या बोलते हैं इसको, मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव, ठीक है ना, एलिमेंट्स ऑफ, एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, अब यहां पर देखिए मुख्य विकर्ण के अगर हम ऊपर जाएं तो आपको एक जो है त्रिभुज बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये अगर हम मुख्य विकर्ण के ऊपर जाएं तो आपको एक त्रिभुज के आकार की जो है रचना दिख रही है, और अगर इस मुख्य विकर्ण के नीचे जाए तो यहां भी आपको एक त्रिभुज के आकार की रचना दिख रही है। ये देखिए एक त्रिभुज के आकार की आपको रचना दिख रही है। तो मुख्य विकर्ण के ऊपर है तो इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अवयव, इसको क्या बोलते हैं, ये मुख्य विकर्ण के ऊपर की बात कर रहे हैं हम यहां पर आपसे, तो ये जो मुख्य विकर्ण के ऊपर है इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अवयव, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अवयव। ठीक, और अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर जो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में जो अवयव हैं उसमें जो i का मान है वो j के मान से क्या है, छोटा है। मैंने क्या बोला, जो i है वो j से छोटा है। भाई यहां पर i का मान एक है, j का मान दो है, यहां पर i का मान दो है, j का मान तीन है, तो i आपका लेस देन है किससे, j से। तो यहां पर आपका आई बड़ा है जे से, सॉरी आई आपका छोटा है, आई लेस देन जे। और उसी प्रकार से अगर हम यहां पर बात करें तो ये आपका होता है, ये आपका है क्या, लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अवयव, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अवयव। और उम्मीद करता हूं यदि वहां पर आई का मान जे से छोटा था तो यहां पर आई आपका क्या है, जे से बड़ा है, यहां पर आपका आई आपका जे से बड़ा है। ये जस्ट मैं आपको यहां पर एक फील करवा रहा हूं, और अभी मैं जब आपसे इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करूंगा तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है उसको मैं डिटेल में आपसे चर्चा वहां पे करूंगा। अभी केवल ये कि अवयव है तो यहां पर आई बड़ा है जे से, यहां पर जो है आपका, और वहां पर आपका आई जो है छोटा है जे से, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर क्या कि एक मैंने आपको आप व्यू बनाया, उसमें जो जो भी चीज़ें आई उनका जो है एक छोटा सा मैंने आपको व्यू दिया कि कैसे चीज़ों को आपको समझना है, और इन्हीं के बिहाव पे आगे हम जो है सवालों में अप्रोच करेंगे। चलिए, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब इस पर जो है हम एक सवाल को लेते हैं, इस पर एक छोटा सा सवाल लेंगे तो जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Thank you.
बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे, जहाँ ना समझ में आए उसके लिए आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, जहाँ भी कोई डाउट आपको लगे, जो भी अगर आपको समझ में चीज़ें ना आए उसको आप शेयर कर दीजिएगा, आपको उसका जो है आंसर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को आपको करना है। यदि ए आई जे बराबर मॉड के अंदर आई माइनस टू जे अपान थ्री हो, ए आई जे बराबर आई माइनस टू जे अपान थ्री हो, तो थ्री क्रॉस टू आव्यूह बनाइए। ठीक है, ये देखिए, ये सवाल इस टाइप से पूछे नहीं जाते हैं, मान लीजिए कभी कभार पूछा गया होगा, ये जस्ट ये है कि मैंने आपको बेसिक बताया, उस पर जो है ये आपका एक छोटा सा अभ्यास हो जाएगा, तो जो चीज़ें पढ़ाई वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आई क्या दिखाता है पंक्ति को, जे क्या दिखाता है कॉलम को, थ्री क्रॉस टू का मतलब ये हुआ कि पंक्तियाँ कितनी हैं, तीन हैं, पंक्तियाँ कितनी हैं, तीन हैं, एक दो तीन, कॉलम कितने हैं, दो हैं, ये ऐसे बना लीजिए। तो तीन पंक्तियां हैं, दो कॉलम हैं, तो अगर हम इसका नंबरिंग करें तो क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा ए वन वन, इसके आगे ए वन टू, फिर यहाँ पर ए टू वन, यहाँ पे ए टू टू, यहाँ पे ए थ्री वन, यहाँ पे ए थ्री टू, ये आपका एक थ्री क्रॉस टू का व्यू है, यानी तीन पंक्तियां हैं और दो क्या है आपके पास, कॉलम है। आपको दिया गया है ए आई जे बराबर आई माइनस टू जे अपान थ्री दिया गया है, तो इसका मतलब यदि हम ए वन वन का वैल्यू निकाल लें, ए वन टू का वैल्यू निकाल लें, इन सब का अगर हम वैल्यू निकाल लें तो क्या हम एक थ्री क्रॉस टू मैट्रिक्स बना सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है हम बना सकते हैं। तो अब इनका वैल्यू निकालने के लिए आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि ए आई जे बराबर मॉड में आई माइनस टू जे अपान थ्री। तो अब देखिए, अगर हमको ए वन वन निकालना है, मैं एक कर दे रहा हूँ, बाकी आप करेंगे स्वयं से। अगर ए वन वन की बात करें तो यहाँ पे ये आपका है आई और ये आपका क्या है, जे है, तो अर्थात आई बराबर एक है और जे बराबर भी आपका कितना है, एक है। अगर यहाँ पर हम आई के स्थान पर एक रख दें, जे के स्थान पर एक रख दें, तो क्या हमको ए वन वन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये देखिए ए आई जे है ना कॉमन नेम, तो इसलिए ए वन वन बराबर मॉड में आई आपका है वन माइनस टू इंटू वन अपान में थ्री, और इसको अगर आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस वन अपान थ्री, और माइनस वन अपान थ्री मॉड है ना, मॉड की प्रॉपर्टी मैं आपको आगे सिखाऊंगा, मॉड में कोई भी चीज़ होती है बाहर आने पे हमेशा आपको प्लस देती है। ठीक है, अभी आपको इतना जानिए, तो ये मिल गया वन अपान थ्री ए वन वन। ठीक है, तो यहाँ पर ए वन वन के स्थान पे आप क्या रखेंगे, वन अपान थ्री रखेंगे। अब उसी तरीके से मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो है आप इसको स्वयं से करिएगा, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है ये। ठीक है ना, तो एक मैंने आपको करके दिखा दिया और इसको आप स्वयं से करिएगा। देखिए, कोई भी टॉपिक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको जो है पंक्ति कॉलम में समझ नहीं बन पा रही है, ठीक है, तो आप उसको अभ्यास करिए। ठीक है ना, अभ्यास से ही सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपको समझ होगा। मैं इसीलिए बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें चर्चा कर रहा हूँ, बहुत ही बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपसे, ठीक है ना, कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, और आगे इन्हीं सब पे आधारित सवाल बनेंगे। इसी तरह तरीके से आपको जो है वैल्यू नहीं दिया जाएगा, आपको आई जे में बात कर किया जाएगा, तो जब आपको ये नहीं पता होगा कि आई क्या है जे क्या है तो सवाल हम कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए इन सब चीज़ों को मैं आपको बहुत छोटे से बहुत बेस से जो है लेके चल रहा हूँ। ठीक, चलिए यहाँ पे हो गया ये, अब ये हो गया, तो अब जो है कुछ नोट मैं आपको लिखवा देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट हैं, इससे संबंधित एक आध नोट लिखवा देते हैं।
इससे संबंधित एकात्म अवयव लिखवा देते हैं आपसे। पहला है, नोट फर्स्ट है, यदि कोई अवयव, यदि कोई अवयव यम क्रॉस यन कोट की है, यम क्रॉस यन कोट की है, कोट की है, तो उसमें, तो उसमें यम इंटू यन अवयव होंगे, यम इंटू यन अवयव होंगे, है ना। बहुत बेसिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया था एग्जांपल में, 3x2 ऑर्डर की है ये, तो 3x2 ऑर्डर की है, तो टोटल अवयव कितने होंगे, 3x2, तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे आपके, 6 होंगे, ठीक। तो ये आपका हो गया। उसके बाद अब अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो अब जो है इसके उल्टे में एक सवाल क्या है, वो सवाल देखिए। मैंने आपको लिखवाया, यदि m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो उसमें कुल कितने अवयव होंगे, और अब सवाल जो है जस्ट मैं इसका उल्टा दूंगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यदि किसी अवयव में, अच्छा सवाल है ये, यदि किसी अवयव में 12 अवयव हों, यदि किसी अवयव में 12 अवयव हों, तो कुल संभव, कुल संभव अवयव क्या क्या होंगे, कुल संभव अवयव क्या क्या होंगे, कितने कितने कोट की बनेगी। कुल 12 अवयव हैं, तो अगर हम 12 अवयव को डिवाइड करें, तो आप इस तरीके सोच सकते हैं कि मान लीजिए किसी अवयव में केवल एक आपका जो है कॉलम है, और उसमें 12 अवयव हैं, ऐसा हो सकता है। तो यानी क्या क्या कोट बन सकती है यहाँ पे, पहला आपका बनेगा 1 × 12 का मतलब क्या हुआ, पंक्ति कितनी है, एक है, और एक पंक्ति में 12 अवयव है ना, जस्ट इमेजिन करिए। तो एक तो आपका ये हो जाएगा, ठीक, एक तो आपका ये हो जाएगा। अच्छा, आगे ये भी तो हो सकता है कि 12 पंक्ति हो और एक एक अवयव हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि 12 क्या हो आपके पंक्ति हो और उसमें एक एक अवयव आ जाए। तीसरा क्या बन सकता है, 4×3, चार पंक्ति कितने कॉलम, 3 कॉलम, और इसका उल्टा भी बन सकता है, 3×4, और क्या बनेगा, 2×6, और क्या बनेगा, 6×2। तो इतने इतने कोट की अवयव बन सकती है। तो यानी अगर यदि किसी अवयव में 12 अवयव हैं, तो कुल संभव अवयव कितने कितने कोट की प्राप्ति होगी, कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो देयर आर 6 मैट्राइसेस, है ना, 6 अवयव बनेंगे इतने इतने कोट की, ठीक है ना, जिसमें ए पहले वाले में आपका ये होगा, दूसरे वाले में ये होगा, इस तरीके से आपका चलेगा। तो ये तो हो गया हमारा जो है अवयव से संबंधित जो भी चीज़ें थी छोटी छोटी, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, ठीक है ना। अब आइए इसके आगे हम लोग बात करते हैं इसके प्रकार की। अवयव के प्रकार क्या होते हैं उसको देखते हैं। तो अवयव के प्रकार में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस,
मैट्राइसेस। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस की बात करें तो इसमें जितना बढ़िया जो है आप लोग इमेजिन कर पाएंगे चीज़ों को, आपके लिए उतना ही आसान होगा। समझ पा रहे हैं? तो टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखा यम इंटू यन, कोट क्या लिया हमने, ऑर्डर आपकी है यम इंटू यन। यहाँ पे यम आपका क्या दिखा रहा है, रो को, और यन दिखा रहा है कॉलम को। ठीक, एक मैंने जनरल चीज ले लिया ये। अब इसी के आधार पे हम जो है मैट्राइस को जो है मैट्रिक्स को डिवाइड करेंगे। देयर आर कितने आपके प्रकार होते हैं इसमें जो है, अगर हम बात करें तो यह टोटल 5 प्रकार की होती है। पहला आपका होता है रो कॉलम, रो मैट्रिक्स। दूसरा आपका होता है कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा आपका होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। चौथा आपका होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और लास्ट आपका होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के भी आपके दो पार्ट होते हैं, एक आपका होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा आपका होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेता हूँ, फिर जो है क्रमशः हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो है मैं आपको बहुत ज़्यादा लिखवा दूँ तो उसका कोई सेंस नहीं है, बस आपको जस्ट इसको देखना है और एक इमेजिन इसका बनाना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको जो है ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है पूरा तैयार हो जाएगा। कैसे देखते हैं, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। पहला है जब आपका यम बराबर एक होगा, पहला हमने केस क्या लिया, जब आपका यम बराबर एक होगा, यानी पंक्ति कितनी है, कॉलम की बात नहीं है, पंक्ति आपकी एक है। दूसरा जब यन बराबर एक होगा, दूसरा प्रकार। तीसरा जब यम का मान यन से बड़ा होगा, यानी पंक्तियों की संख्या ज्यादा होगी और असंभव की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो अब इसका उल्टा भी एक ले लेते हैं, जब यम का मान छोटा होगा और यन का मान क्या होगा, बड़ा होगा। यानी आपकी जो है पंक्तियां कम हैं और स्तंभ क्या है, ज्यादा है। और लास्ट आपका है जब यम बराबर यन होगा, ये यम बराबर यन होगा। तो यहां पर ये आपके मुख्य हैं। अब यहां पर क्रमशः हम देखते हैं, जब यम बराबर एक होगा तो इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा अव्यव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसको हम बोलेंगे क्या, रो मैट्रिक्स। अभी इसको आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, रो मैट्रिक्स का मतलब ये हो जाएगा कि कुछ फिगर आप इस तरीके से इमेजिन कर पा रहे हैं, ये रो का इस तरीके से ये। ठीक है, केवल कितने जो है आपकी पंक्ति हैं, केवल एक पंक्ति है। जब n बराबर एक होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह का मतलब है कि यहां पर कितने आपके स्तंभ हैं, केवल एक। तो अगर एक है तो क्या इसका कुछ इमेजिन आप इस प्रकार से कर पा रहे हैं, ये देखिए, इस चीज को जो है आप फिगर को दिमाग में बैठा लीजिए, है ना, कभी आपको इसको रटने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना, ये इतना सिंपली वे में रहेगा कि आप जब भी इसको देखेंगे तो आपको जो है चीजें, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। किताबों में बहुत उलझा दिया है पूरा, बहुत ज्यादा इसमें लिखा पढ़ी किया हुआ है, तो हम लोग को ये नहीं करना है, हमको केवल फिगर को दिमाग में रखना है, और आप देखेंगे कि आपको जो है ये जिसके इसके जितने भी प्रकार हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगला है यम बड़ा है यन से, इसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स, मतलब ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर
आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपकी क्या है पंक्तियां ज्यादा हैं, तो पंक्तियां ज्यादा हैं तो क्या इसका कुछ ऐसा बनेगा क्या ये पंक्तियां ज्यादा है ना, कॉलम क्या है आपके कम है, अगर इसकी फील नहीं आ पा रही है तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना लीजिए ये ठीक। पंक्तियों की संख्या ज्यादा है और क्या नाम है कॉलम की संख्या क्या है कम है। ये आपका है यंग छोटा है यंग से, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये आपका है क्षैतिज, अब यहां पर जो है क्या है यहां पर आपका जो स्तंभ है वो ज्यादा है तो स्तंभ ज्यादा है और ये क्या है कम है, तो इस तरीके से बनेगा ये स्तंभ ज्यादा है और पंक्तियां क्या है कम है तो ये आपका क्षैतिज बनेगा और इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स और यही आपके काम का है स्क्वायर मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं वर्ग आव्यूह। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह की अगर हम बात करें तो आपका जिसमें आपका पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या है बराबर है, जिसमें पंक्तियों की संख्या पंक्तियों व स्तंभों की संख्या स्तंभों की संख्या दोनों समान उसे आप लोग क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ये कुछ इस तरीके से बनेगा आपका सब बराबर है तो ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स का फिगर है ठीक है। तो ये आपका हो गया जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में और इसमें जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में भी इसके पार्ट हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। दोस्तों वेलकम टू चंद्रा शुल इलाहाबाद, आज हम लोग जानेंगे कैसे चंद्रा शुल ऐप को इंस्टॉल करें या कैसे उस पर अपने कोर्स को देखें परचेस करें ठीक। तो पहले हम लोग को क्या करना है प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाने पर आपको क्या लिखना है चंद्रा शुल इलाहाबाद, जैसे ही लिखेंगे तो आप सामने इस तरह का एक मतलब लोगो आ जाएगा और आपको क्या करना है इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पे रिव्यू दे सकते हैं ऐप के बारे में, उसके बाद आपको क्या करना है इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको ओपन करना है ठीक। ओपन बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह की स्क्रीन आएगी, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है मोबाइल ऑब्लिक यूजर आईडी और दूसरा लिखा है इंटर पासवर्ड। अगर आपको पहले आपके पास पहले से आईडी है चंद्रा की ठीक है, अगर आपके पास पहले से आईडी है चंद्रा की तो आप यहाँ पे अपनी आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे। अगर आप नए हैं तो आपको क्या करना है क्रिएट योर अकाउंट, आपको क्या करना है क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करना है ठीक। यहाँ पे दो लोगो दिए गए हैं यूट्यूब, अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है यहाँ पे चैनल पे डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत आती है ऐप से रिलेटेड तो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं ठीक। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, अगर आप नए हैं तो क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे, जैसे क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में आपको तीन या चार चीज़ें भरनी है। पहला इंटर योर नेम, आपको अपना नाम भरना है, इंटर यूजर आईडी योर सेल्फ, अब आईडी आप कुछ भी रख सकते हैं नाम नंबर यानी मिला के, यानी यहाँ पे आपको ईमेल आईडी जरूरत नहीं, आप कुछ भी आईडी रख सकते हैं। इंटर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर बहुत ही ज़रूरी है, जो मोबाइल नंबर आपके पास हो या आपके साथ रहता हो वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद दो बार पासवर्ड और क्या करेंगे रजिस्टर बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे क्या मांगेगा ओटीपी आएगा, जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ डाला है उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और आपको ओटीपी ठीक है जैसे ये मैंने भरा हुआ है नाम हो गया आईडी हो गया आईडी कुछ भी हो सकती है नंबर मोबाइल नंबर हो गया पासवर्ड डाला और रजिस्टर बटन पे क्लिक किया, जैसे रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा प्लीज इंटर ओटीपी हियर, जो आपने मोबाइल नंबर डाला रजिस्ट्रेशन के समय वो आपको यहाँ पे ओटीपी यहाँ पे डालना होगा, जैसे ओटीपी डालेंगे सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो सामने मैसेज आएगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी ठीक है आईडी और पासवर्ड की। तो आपको जो अभी आपने आईडी या मोबाइल नंबर डाला दोनों में से एक चीज़ डालेंगे और पासवर्ड जो आपने बनाया वो पासवर्ड डालेंगे और
क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐप का जो होम स्क्रीन है वो सामने आपके आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैंने ये दिखाया है कि अगर आपके पास आईडी बनी हुई, आपको आप अगर मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो ये लिख रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो आप अपने मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। तो अगर आपने आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर आप सामने ये मैसेज आ गया कि ये आईडी या ये नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, दो बार नया पासवर्ड डालेंगे और रीसेट पासवर्ड जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो नंबर है जो बता रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसी नंबर पर ओटीपी मांगेगा। अब आपको क्या करना, ओटीपी डालेंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है। अब अपना मोबाइल नंबर और जो नया पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डाल के आप उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। इन द केस अगर आपके पास ये मैसेज आता है कि ये नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उस केस में, ठीक। उसके बाद जैसे ही आपने मान लो लॉगिन किया, आपने सक्सेसफुली सब कुछ रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन करेंगे आप सामने ये स्क्रीन आएगी। पहली स्क्रीन होम स्क्रीन की होगी जहाँ पे क्या कर सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा हमारे तरफ जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको यहाँ पे दी जाएगी। और यहाँ पे एक बटन है क्लिक हियर टू ऑर्डर हार्ड कॉपी नोट्स। अगर आपको कोई नोट्स हार्ड कॉपी में स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने घर तक मंगवाना है तो यहाँ पे क्लिक करके अपना नाम पता एड्रेस डालकर, ये सर्विस अभी चालू नहीं, जब चालू होगी बता दी जाएगी, अगले 10-15 दिन में चालू हो जाएगी। यहाँ से आप हार्ड कॉपी के लिए नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो। फिर दूसरा कोर्स का देखिए, कई सारे टाइप है, होम कोर्सेज, परचेज कोर्स और फ्री नोट्स। तो पहला होम वाला देख लिया, आप कोर्सेज में जाके देखेंगे। कोर्सेज में आपके जितने भी हमारे द्वारा कोर्स ऑनलाइन चल रहे हैं वो यहाँ पे आपको शो करेंगे, कब से स्टार्ट हो रहा है। हर कोर्स के अंदर डेमो वीडियो है, आप उसको डेमो वीडियो को देख सकते हैं और उस कोर्स का कितना अमाउंट है, और आप उस कोर्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्स, KBS CRT, CTT प्राइमरी, UPTET प्राइमरी। ठीक, उसके बाद अगला टाइप था क्या था, कोर्सेज और परचेज कोर्स। अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तो वो कोर्स कोर्सेज से हट कर कहाँ आ जाएगा, परचेज में। अगर आपने कोई कोर्स खरीदा और उसके अंदर सारी वीडियो आप चाह रहे हैं, अगर आपने कोई कोर्स खरीदा तो परचेज कोर्स में वो कोर्स दिखेगा। अभी आगे देखते हैं कैसे आएगा वो। ठीक, अगला टाइप था फ्री नोट्स का, जो भी स्टडी मटेरियल होगी, ये तो अभी डेमो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हट जाएगा। ठीक है, आज शाम से स्टार्ट हो जाएगा वो डालना फ्री नोट्स। जो भी स्टडी मटेरियल्स होंगे जो आपको टेलीग्राम यहाँ पे मिलते थे, अब आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक, तो फ्री नोट्स में आपको क्या मिलेंगे, जो भी मटेरियल कोचिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। आप इसको फुली बिना कोई अमाउंट के डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक, तो मैंने मान लो कोई एक कोर्स लिया, मान लो BEO ले लिया, तो उसके अंदर सारे चैप्टर्स होंगे, हर चैप्टर अंदर 3-3 डेमो होंगे, अभी डेमो बन रहे हैं, वो जल्दी डाले जाएंगे, तो डेमो भी आप देख सकते हैं। देखने के बाद आपको क्या करना है, बाई फुल कोर्स एट 5290 जो भी अमाउंट होगा, आपको क्या करना है उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप जो 3-3 अंदर दिख रहे हैं उसको पूरी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इस कोर्स को बाई करते हो। तो जैसे ही बाई फुल कोर्स एट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा पेमेंट प्रोसेस। पेमेंट प्रोसेस में आपको अपना नाम सही सही भरना है, अपनी ईमेल आईडी सही सही भरनी, क्योंकि जो रसीद है, रिसीप्ट है, वो इसी पे जाएगी। अपना मोबाइल नंबर सही से भरना है और कूपन कोड अगर कोई सर ने जारी किया, जैसे अभी न्यू ईयर का कूपन कोड कल चल रहा है C2020, तो समय समय पे अगर चंद्रा के द्वारा कोई कूपन दिया जाता है तो उस कूपन कोड को यहाँ पे डाल के आप फीस में छूट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे करंट में न्यू ईयर का जो कूपन कोड है C2020, उसको आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, बाई कोर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही बाई कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा पेमेंट ऑप्शन, यानी कितने तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, EMI, वॉलेट्स, UPI। तो आपके लिए आपके पास जो भी सुविधा हो उस हिसाब से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। ठीक, जैसे डेबिट कार्ड का यहाँ पे है तो कार्ड का नंबर हो गया, कार्ड का क्या नाम है, कार्ड पर एक्सपायरी और CVV, ATM कार्ड की जो CVV पिन होता है 3 नंबर का, वो यहाँ डाल के आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। ठीक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग, यहाँ बहुत सारे बैंकों के नाम है, आपका जो भी नेट बैंकिंग आप जो चलाते हो नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद वॉलेट्स, अलग अलग वॉलेट्स, फ्रीचार्ज, जियो मनी, ePayLater, ओला मनी, जो भी आपके पास है आप उसके थ्रू भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद UPI, अगर आप UPI चलाते हैं, गूगल पे या फिर भीम, जो भी हो आप चलाते हैं, आप वहाँ उस UPI एड्रेस को डाल के भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे पेमेंट करेंगे तो आपके सामने परचेज कोर्स जो कि खाली था, अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है,
जो कि ऑलरेडी परचेज है एक आईडी पर, सीटेड प्राइमरी और यूपीडेड प्राइमरी। तो जैसे ही आप मान लीजिए कोई कोर्स बाई करते हैं इस मेथड के थ्रू, तो परचेज कोर्स के अंदर वो जो जिसके लिए आपने पेमेंट किया है वो कोर्स यहाँ पे आ जाएगा। इस कोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे जितनी भी टोटल वीडियो होंगी इस कोर्स के अंदर वो सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक। और सारे ऐसे ये बताना चाहते हैं, यहाँ पे तीन डॉट होगा जहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, मतलब अपना नाम, मोबाइल नंबर और पासवर्ड अगर चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। प्लस अगर आपको ऑर्डर हार्ड कॉपी नोट्स ऑर्डर करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। कॉन्टेक्ट अगर कोई दिक्कत आ रही है, पेमेंट कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और बाहर आना है तो साइन आउट कर सकते हो, ठीक। जैसे प्रोफाइल वाला है तो प्रोफाइल में नाम हो गया, आईडी हो गई, मोबाइल नंबर हो गया और यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस है जहाँ पे आप इस तरह आप अपने ऐप को चला सकते हो। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये दिख रही है कि बहुत सारी आईडी में ये प्रॉब्लम आ रही है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिख रहा है, मतलब वो नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो उस केस में क्या करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उस केस में आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। उस केस में आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, जो कि आपको यहाँ दिखेगा, ठीक। फॉरगेट पासवर्ड जैसे ही क्लिक करें, अगर आपके सामने ये लिख के आता है कि आईडी या मोबाइल नंबर आईडी रजिस्टर दिखा रहा है, तो जो मोबाइल नंबर आपने डाला है, जो रजिस्टर दिखा रहा है, वो फॉरगेट पासवर्ड में जाके आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और दो बार पासवर्ड डालना और रीसेट कर देना है। अब आप लॉगिन करेंगे तो अब आपको क्या करना, रजिस्ट्रेशन नहीं करना, अब आपको सीधे क्या करना, लॉगिन करना मोबाइल नंबर डाल के और जो नया पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड डाल के, ठीक है। तो इस तरह आप ऐप को यहाँ से आसानी से चला सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए सारी सुविधा सॉल्व होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।